हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है कपकेक रेसिपी, और इस रेसिपी को हम बनाएंगे कढ़ाई में बिना ओवन के, बिना अंडे के। बहुत ही टेस्टी केक बन के ये रेडी होगा और बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी बना है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम स्पॉन्जी है, ऊपर से ही नहीं अंदर से भी एकदम सॉफ्ट बना है। और इसका टेस्ट इतना यम्मी है ना कि आप इसे एक बार बना के खाएंगे ना तो आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा कि इस केक को आपने घर पर बनाया है। ये देखिए, अंदर तक एकदम स्पॉन्जी है। तो चलिए फटाफट से आज की रेसिपी शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई को प्रीहीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है, गैस कर दी है लो टू मीडियम फ्लेम पे, और अब इसमें हम डालेंगे नमक। तो ये नमक मैंने पहले कई बार यूज़ किया है। अगर आप फर्स्ट टाइम नमक डाल रहे हैं तो कोई भी सस्ता से ब्रांड का आप नमक ले सकते हैं, और यूज़ करने के बाद आप इस नमक को फेंकें ना, ठंडा करके किसी भी डब्बे में भर के रख लें। और कभी भी आप कढ़ाई या कुकर में कुछ भी बेक कर रहे हैं तो आप इस नमक को यूज़ कर सकते हैं। नमक डालने के बाद अब इसके ऊपर कोई भी प्लेट ढक देंगे और इसे 10 मिनट तक प्रीहीट करेंगे। और अब हम केक का बैटर बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल में ले लिया है 1 कप दूध, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए दूध। अब इसमें हम डालेंगे 1.5 चम्मच के करीब विनेगर, अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और इस दूध को उठा के साइड में रख देंगे। और अब हम ले लेंगे मिक्सिंग बाउल और इसमें हम डालेंगे 1/2 कप बटर। तो बटर को यहाँ पे मैंने अच्छे से मेल्ट कर लिया है, उसके बाद यूज़ किया है। बटर आप सॉल्ट वाला या अनसॉल्टेड कैसा भी यूज़ कर सकते हैं, और आप बटर की जगह पे ना रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं या पीनट ऑयल भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप पाउडर शुगर। चीनी को अच्छी तरीके से मिक्सी में पीस लें और ये पाउडर शुगर रेडी हो जाएगा। अब हम इसे लगातार फेंटेंगे 5 मिनट तक, जिससे कि अच्छे से फ्लफी हो जाए। और ये देखिए, मैंने इसको लगातार 5 मिनट तक इसी तरीके से फेंटा है और एकदम ना फ्लफ़ी हो गया है ये, इसका कलर भी चेंज हो गया है और फ्लफ़ी हो गया है। इसी तरीके का हमें ये पेस्ट चाहिए। और अब इसी बाउल में हम रखेंगे छन्नी, और छन्नी में हम डालेंगे 1 कप मैदा। तो यहाँ पे मैं मेजरिंग कप का यूज़ कर रही हूँ। तो ये सबसे पहले डालेंगे मैदा, और अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस केक में, तो ज़रूर इसमें मिल्क पाउडर आपको ऐड करना है। 2 चम्मच ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, जिसे खाने वाला सोडा बोलते हैं वो, और इसे इस तरीके से छान लेंगे। और बस सबसे पहले सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और बस मिक्स करने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे दूध, जो हमने साइड में उठा के रख दिया था दूध, ये सारा दूध हम इसमें डाल देंगे। और साथ ही में हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच वनीला एसेंस फ्लेवर के लिए, तो 1 चम्मच डाल देंगे। और फिर से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे जो केक का बैटर है वो बनके रेडी है, और इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके की होनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा बैटर नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका बैटर थोड़ा सा गाढ़ा है तो आप इसमें बहुत ही थोड़ा सा दूध और ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से चोको चिप्स, ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें बहुत ही थोड़े से डाल दिए हैं। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो केक के लिए बैटर हमारा रेडी है। अब हम इसे डालेंगे ये सिलिकॉन मोल्ड में। यहाँ पे मैंने ये सिलिकॉन के ले लिए हैं, आप नॉर्मल कोई भी ले सकते हैं। तो अब इसमें हम इसको डाल देंगे। तो एकदम ऊपर तक हमें इसको नहीं भरना है, थोड़ा सा खाली छोड़ देना है, जिससे कि जब ये बेक हो तो एकदम इस मोल्ड से बाहर ना निकले। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हम ऊपर से खाली छोड़ देंगे, और सारे मोल्ड के अंदर हम इस बैटर को डाल देंगे। और अब इस तरीके से हल्का सा हम इसे टैप करेंगे,
और बस टैप करने के बाद ये थोड़े से मैंने जो यहाँ पे चोको चिप्स बचा लिए हैं वो मैं थोड़े से ऊपर से डाल दूंगी। और बस फिर से हम इसे एक बार इस तरीके से टैप कर लेंगे और ये रेडी है बेक के लिए। और दूसरी साइड जो हमने गैस पे कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी थी, तो 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, अच्छी तरीके से कढ़ाई हमारी प्री हीट हो चुकी है। अब इसके बिल्कुल बीच में हम रख देंगे कोई भी स्टैंड या कटोरी, आप उल्टी करके रख सकते हैं। और बहुत ही सावधानी से हम इस ट्रे को इस पर रखेंगे और बस अब हम इसे ढक देंगे और गैस कर देंगे मीडियम फ्लेम पे और घड़ी देख के 15 मिनट तक हम इसे बेक होने देंगे। 15 मिनट के बाद चेक करेंगे कि ये बेक हुआ है या नहीं। तो 15 मिनट तक हम इसकी प्लेट को बिल्कुल भी नहीं हटाएंगे। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो टोटल 18 मिनट तक मैंने इसको बेक किया है। 15 मिनट बाद मैंने चेक किया था तो ये हल्का सा कच्चा था, फिर मैंने इसको 3 मिनट के लिए और बेक होने दिया। तो इस तरीके से टूथपिक को आप बिल्कुल बीच में डाल के देखेंगे तो देखिए बिल्कुल भी टूथपिक पे बैटर नहीं लग रहा है, इसका मतलब केक हमारा अच्छे से बेक हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे निकाल के साइड में रख के ठंडा कर लेंगे। तो ये लीजिए कपकेक बनके रेडी है। मैंने इसको 10 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए रख दिया था और अब मैं आपको इसे निकाल के दिखाती हूँ, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, ये देखिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। ट्राई करने के बाद प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही में आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।